एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 9 तक देख लिया था, जहां पर हमने DRI से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। अब DRR और DRI इन दोनों को मिलाकर हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, जो कि बेस्ड होने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन लमसम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो टेबल बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी कंपनीज के केस में हम DRR बनाते हैं, DRR नहीं बनाते हैं, और कौन सी कंपनीज के केस में हम DRI में इन्वेस्ट करते हैं और कौन सी कंपनीज के केस में DRI में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो टेबल बिल्कुल दिमाग में रखते हुए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10। IFCI लिमिटेड एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बात यहीं ख़त्म। ठीक है, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस केस में, ना DRR बनता है ना DRI में इन्वेस्टमेंट होता है। इशूड 10,09% डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच ऑन 1st April 2015, रिडीमेबल ऑन 1st April 2021। हाउ मच अमाउंट शुड इट सेट असाइड टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व बिफोर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ऑल्सो पास जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो क्लियरली हम यहाँ पर नोट लिख देंगे, क्योंकि एक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए यहाँ पर ना DRR बनेगा ना DRI में कोई इन्वेस्टमेंट होगा। तो हमें क्योंकि जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोली गई है, इसलिए हम यहाँ पर जर्नल एंट्रीज करेंगे। सबसे पहली एंट्री करेंगे हम एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी डेट को ये डिबेंचर्स इशू किए गए हैं, यहाँ पर इशू किए गए हैं ये 1st April 2015। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2015 साल, डेट है April 1। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 को हमने डिबेंचर्स को इशू किया, तो हमारी सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपको कितने डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, वो 10,00,000 डिबेंचर्स हैं, ठीक है। तो 10,00,000 डिबेंचर्स और फेस वैल्यू है ₹50 ईच, ठीक है, कुछ भी लिखा नहीं है, तो हम एट पार ही इशू किया यही मान के चलेंगे। तो क्लियरली आपका यहाँ पर आपको कितना पैसा मिल जाएगा, 10,00,000 इंटू 50, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, ठीक है, 5 crore हो जाएगा आपका अमाउंट टोटल। क्लियर हो गया, तो 5 crore rupees जो आपको मिलेगा डिबेंचर्स को इश्यू करने पर। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अब यहाँ पर हम एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी April 1 को ही होगी, हम लिख देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमने एट पार ही इशू किया है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर इशू किए हैं हमने, 9% डिबेंचर्स इशू किए हैं, 29% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। तो 5 crore की फेस वैल्यू वाले हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग नाइन परसेंट डिबेंचर्स
अलॉटेड, ठीक है। तो जितने डिबेंचर्स के लिए हमें पैसा मिला था, एप्लीकेशन मनी मिला था, वो हमने अलॉट कर दिया है। तो ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। चलो अब यहां पर बीच में कुछ भी डीआरआर या डीआरआई से रिलेटेड कुछ भी नहीं एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि एक अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में ये दोनों ही नहीं बनते हैं। आ रहा है समझ में? तो अब सीधे हम कौन सी डेट पे आ जाएंगे? हम रिडेम्पशन की डेट पे आ जाएंगे, क्योंकि हमें रिडेम्पशन की भी एंट्रीज करनी है, इशू की भी एंट्रीज करनी थी। इशू की हमने कर ली, अब रिडेम्पशन पे आ जाते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हम कब रिडीम कर रहे हैं? यहां पर 1 अप्रैल 2021, तो यहां पर लिख लेते हैं 2021। फर्स्ट अप्रैल, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? हमने जो डिबेंचर्स इशू किए थे, बेसिकली लोन लिया था 5 करोड़ का, इसको वापस करने का दिन आ चुका है। तो यहां पर हम लिख देंगे 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो 5 करोड़ का हमने लोन लिया था, उसको अब हमको वापस करना है। तो यहां पर हम लिख लेंगे बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो हमने पेमेंट ड्यू करने की एंट्री कर ली है। इसके बाद हम पेमेंट कर देंगे, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आप 5 करोड़ रुपए वापस कर दोगे। तो यहां पर हम लिख देंगे बीइंग पेमेंट डिस्चार्ज्ड या मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। अब यहां पर हम एक नोट डाल देंगे, हमने एंट्रीज सारी कर ली है एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जो हमें एंट्रीज करनी थी। बट यहां पर हम नोट डालेंगे एज IFCI लिमिटेड इज एन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, there is no requirement for DRR or DRI, ठीक है। उन्होंने सिर्फ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का पूछा था, बट हमने दोनों ही बता दिया कि ना DRR की जरूरत है ना DRI की जरूरत है। तो यहां पर आंसर देख लेते हैं, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट टू बी क्रिएटेड इट बींग एन अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वही बात बोली है, ठीक है। तो जल्दी से देख लो, जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल थी, इनमें कोई डाउट हो तो पूछ लो एट द टाइम ऑफ इशू एंड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऑन 1 अप्रैल 2016 कैनरा बैंक, तो बस बात यही खत्म हो गई। यहां पर भी DRR नहीं बनेगा ना ही DRI, ठीक है, क्योंकि बैंक है, बैंक के पास पैसों का भंडार होता है, तो उसको अलग से रिजर्व क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ना ही बेटी के पैसे के, बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ने की जरूरत है, DRI करने की जरूरत है। आ रहा है समझ में? तो ऑन 1 अप्रैल 2016 कैनरा बैंक इशूड 5009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5009% कूपन रेट वाले डिबेंचर्स इशू किए गए एट द रेट 100 ईच,
तो फेस वैल्यू 100 है बट उनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। तो मतलब 100 का 6% कितना हो गया, 6 रुपये। तो 106 रुपये में इन डिबेंचर्स को इशू किया गया, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2019 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो रिडेम्पशन के समय भी हमें प्रीमियम देना है 10% का, मतलब 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 10 रुपये। आ रहा है समझ में? द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन द बुक्स ऑफ कैनरा बैंक। तो यहाँ पर क्लियरली हमको सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स से रिलेटेड, ठीक है? तो यहाँ पर इशू से रिलेटेड नहीं बोला है, क्लियरली बोल दिया कि जर्नल एंट्रीज हमें रिडेम्पशन से रिलेटेड पास करनी है। एंड हम यहाँ पर नोट भी डाल देंगे कि क्योंकि बैंकिंग कंपनी, इसलिए DRR और DRI नहीं बनाना। तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर, इशू से रिलेटेड हमें एंट्रीज नहीं करनी है, हम सीधे आ जाएंगे रिडेम्पशन वाली डेट पर। तो रिडेम्पशन कब हो रहा है यहाँ पर देखो ध्यान से, 31 मार्च 2019। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2019 मार्च 31, ठीक है? तो पहली एंट्री क्या होगी, ध्यान से, यहाँ पर रिडेम्पशन पे प्रीमियम भी है, तो 10 रुपये पर डिबेंचर आपको प्रीमियम देना है रिडेम्पशन पर, और ऐसे 5000 डिबेंचर्स हैं, मतलब टोटल आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 50,000 का प्रीमियम देना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? चलो तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले हमारा, हमने लोन कितने का लिया है, 9% डिबेंचर्स हमारा लोन था एक तरीके से, अब हम उसको वापस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है? तो कितने से डेबिट होगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट, फेस वैल्यू वाले अमाउंट से, तो फेस वैल्यू अमाउंट कितना हो जाएगा, 5000 × 100, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5000 × 100, दैट इज 5 लाख, ठीक है? तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5 लाख से, प्रीमियम भी लौटा रहे हैं हम, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हमने लायबिलिटी बनाई होगी इशू करते समय, आ रहा है समझ में, उसको अब हमें रिडीम करने का वक्त आ चुका है, ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 50,000, इसका कैलकुलेशन दिखा देते हैं, 5000 × 10 रुपीस पर डिबेंचर, तो टोटल 50,000 रुपये आप देने वाले हो एज प्रीमियम टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, कितना टोटल आपको कितना डिबेंचर होल्डर्स को देना है, 5,50,000। तो 5 लाख रुपए तो लोन का ही अमाउंट देना है, जो जितने के उन्होंने डिबेंचर्स खरीदे थे, फेस वैल्यू अमाउंट देना है, और 50,000 हमने उनसे वादा किया था कि अब आपको प्रीमियम पे रिडीम करेंगे, तो 10% आपने प्रीमियम पे रिडीम किया, दैट इज 50,000। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे नरेशन लिख लेते हैं पहले, बीइंग पेमेंट ड्यू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑन रिडेम्पशन। तो डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट ड्यू हो चुकी है, अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आपको टोटल पेमेंट कितनी करनी है डिबेंचर होल्डर्स को, 5,50,000, तो 5,50,000 की आप पेमेंट कर दोगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यहां पर हम नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है? अब हम एक नोट लिखना नहीं भूलेंगे यहां पर, और वो नोट क्या होगा कि एज कैनरा बैंक इज अ बैंकिंग कंपनी, DRR and DRI are
not required. ठीक है, क्योंकि कैनरा बैंक एक बैंकिंग कंपनी है, इसीलिए हमें DRR और DRI दोनों ही क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पर आंसर क्या लिखा है, बैंकिंग कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू क्रिएट DRR, इट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. वही बात बोल रहे हैं, DRI में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो जल्दी से एंट्रीज देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो. चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी मतलब DRR नहीं बनाना है, DRI 15% से बनेगा. ठीक है, हैज आउटस्टैंडिंग ₹50 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 जुलाई 2021. तो 31 जुलाई 2021 को रिडेम्पशन ड्यू है ₹50 लाख के डिबेंचर्स का. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर रिडेम्पशन. ठीक है, चलो तो यहाँ पर सिर्फ रिडेम्पशन से रिलेटेड हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. अब हमें क्योंकि कोई डेट नहीं दी है, ठीक है, DRR तो बनाना ही नहीं है, लेकिन DRI बनाने के लिए कोई डेट नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, करेंट ईयर जो है हमारा रिडेम्पशन के समय उसका स्टार्टिंग मान लेंगे, 31 जुलाई 2021 है, तो 2021 अप्रैल 1 को हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ठीक है, बीइंग DRI मेड एट द रेट 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड. ठीक है, तो हमें यहां पर सारे ही डिबेंचर्स लौटाने हैं, दैट इज पूरे 50 लाख के डिबेंचर्स हमें लौटाने हैं. ठीक है, ₹50 लाख बोला है, तो 50 लाख इंटू 100 मत कर देना, ध्यान से देखना हमेशा. तो 50 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स हैं जो हम लौटाने वाले हैं, रिडीम करने वाले हैं, उसका 15% निकाल लो. 50 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 7,50,000. तो 7,50,000 आपको DRI में इन्वेस्ट करना है. ठीक है, अब आ जाएंगे रिडेम्पशन वाले दिन. तो रिडेम्पशन वाला दिन कौन सा है, 31 जुलाई. तो 2021 में हम आ जाएंगे जुलाई 31 को. तो जुलाई 31 को जो हमने DRI बनाया था उसको रियलाइज कर लेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 7,50,000 जो इन्वेस्ट किया था वो हम रियलाइज कर लेंगे. बीइंग DRI रियलाइज्ड. ठीक है, अब रिडेम्पशन की एंट्री हमें ड्यू करनी पड़ेगी, डिबेंचर होल्डर्स को वापस करने की एंट्री. यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं है कि रिडेम्पशन एट पार कर रहे हैं, प्रीमियम कर रहे हैं, तो एट पार लेके ही मानेंगे. तो जुलाई 31 को हम एंट्री कर देंगे. कितने परसेंट डिबेंचर्स हमने इशू किए थे, 9% डिबेंचर्स. तो अब इनको ख़त्म करना है, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे. 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना हो जाएगा, 50 लाख. बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन ठीक है, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट हो गया. नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी.
तो जुलाई 31 को नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा 50 लाख रुपीस का जो लोन लिया था अब वो हम वापस कर रहे हैं। बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है। तो ये सारी रिडेम्पशन से रिलेटेड एंट्रीज हो गई। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर नोट लिखना नहीं भूलना है, ठीक है। तो नोट हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो DRR क्रिएट नहीं होगा लेकिन DRI में इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है। एज इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी नो रिक्वायरमेंट टू क्रिएट DRR बट अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन DRI लिख सकते हो या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज भी लिख सकते हो, इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये नोट लिखना जरूरी है। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम। अमाउंट विल नॉट बी ट्रांसफर टू DRR, इट विल बी बिकॉज इट बीइंग अ लिस्टेड कंपनी इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज DRI वुड बी 7,50,000। देखो इतना ही आया है हमारा, इसलिए हमने DRR क्रिएट करने की एंट्री नहीं की। सबसे पहला हमारा एंट्री हो गया DRI में पैसा डालने का, देन रिडेम्पशन वाले दिन DRI को रियलाइज करने की, देन डिबेंचर होल्डर्स को एंट्री ड्यू करने की और पेमेंट करने की। क्लियर हो गया इतना? चलो जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन में, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से आज हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए क्लास में अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।